जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादियों द्वारा एक और जो है मंसूबा कामयाब करने की कोशिश थी, जिसको नाकामयाब किया है हमारे सुरक्षा बलों ने। ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं, ये बिलावर से जम्मू सुबह 5 बजे निकली थी, जिस गाड़ी का नंबर JK02AU7167 है। इसके अंदर आतंकियों द्वारा विस्फोटक सामग्री को जो है भेजा गया था जम्मू के अंदर। कोई ना कोई बड़ा मंसूबा था जिसको हमारे सुरक्षा बलों ने नाकामयाब किया है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, हमारे सूत्रों के मुताबिक जो RDX का बैग था उसके अंदर 14 किलो के करीब जो है RDX मिली है, और कुछ खुफिया दस्तावेज भी मिले हैं जिसके अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट लोकेशंस थी जम्मू की। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये गाड़ी जब लगभग सुबह 5 बजे चली तो उसके अंदर जो है ये बैग रखवाया गया था, और उसके बाद ये बैग अब जम्मू में किसने यहाँ से ये बैग उठाना था वो फिलहाल नहीं पता चल पाया। लेकिन ये जो बड़ी विस्फोटक सामग्री है इसको हमारे सुरक्षा बलों ने बरामद किया है, और अभी फिलहाल 3 लोग जो हैं हिरासत में भी हैं, और उनसे पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि आखिरकार उनके पास कोई जानकारी ना हो। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, जिस इलाके से यानी कि बिलावर से ये गाड़ी आ रही थी, बिलावर इलाके से ही कुछ दिन पहले एक शख्स के घर से विस्फोटक सामग्री बरामद हुई थी। हो सकता है कि उस शख्स का कहीं ना कहीं कहीं तार ना जुड़े हों इस पूरी घटनाक्रम से। लेकिन बड़ी चीज़ ये है, जहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर हाई अलर्ट जारी है, वहीं कहीं ना कहीं आतंकी कोशिश करते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर हालात ख़राब किए जाएं। लेकिन हमारे जो अलर्ट सुरक्षाकर्मी हैं उनकी अलर्टनेस को देखते हुए, जिस तरह से मैं बार बार कहता हूँ, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारी इंडियन आर्मी द्वारा जो है हमेशा से अलर्टनेस की जाती है, और उसी अलर्टनेस का ये नतीजा है कि इस बस के अंदर जो RDX आ रहा था उसको जो है बरामद किया गया है, और जो आतंकियों का मंसूबा था उसको जो है करारी मार दी गई है। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं ये बौखलाहट है पाकिस्तान की, ये बौखलाहट है पाकिस्तान के सपोर्टर्स की, जो लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर हालात ख़राब करना चाहते हैं। आप लोग देखते रहें JK मीडिया, आशीष कोहली JK मीडिया के लिए। जय हिंद।